सर मेरे साथ मौजूद है दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित जी। पहले तो उन्हें बधाई देते हैं और साथ ही जानते हैं जो दिल्ली प्रदेश में किस तरह की चुनौतियां और जो उसमें सुधार की जरूरत है उसकी दिशा में मैम का क्या कदम होगा। मैम पहले तो आपको बधाई और प्रदेश में जो संगठन है उसको मजबूत करने की दिशा में आपके क्या कदम होंगे। देखिए मैं अभी प्रदेश में गई नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि चुनाव आने वाले हैं पार्लियामेंट के और एमपीज के चुनाव होने वाले, तो हमें जो भी आवश्यकता होगी कि हम अपनी पार्टी को मजबूत बनाएं और एकजुट करें, सबको एक साथ मिला दें, तो वो हमारे सामने चुनौती है, सबसे पहली चुनौती है। उसके बाद कुछ और होगा डेवलप तो बताऊंगा। मैम सबसे दिक्कत होती है किसी भी पार्टी में, छोटी सी जब परिवर्तन होता है तो थोड़ी सी गुटबाजी बढ़ जाती है पार्टी, कांग्रेस पार्टी इसमें। हमने सबको यही प्रार्थना करी है कि गुटबाजी नहीं होनी चाहिए, ये बहुत क्रूशल ईयर है कांग्रेस के लिए भी, देश के लिए भी, क्योंकि सरकार नई बनने वाली है, कुछ महीनों के बाद कुछ नई सरकार बनेगी, नई तस्वीर आएगी, तो इस वक्त हम गुटबाजी नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की बात बार बार सामने आ रही है, आप हम गठबंधन की बात नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, पता नहीं कौन कर रहा है, या तो वो कर रहे हैं या कोई और कर रहा, हम नहीं कर रहे हैं। तो क्या नेतृत्व में परिवर्तन हुआ है, तो क्या संगठन में भी परिवर्तन? मैं अभी परिवर्तन जो हुआ है उसको कुछ दिन बाद आपको बताऊंगी कि क्या क्या आवश्यकताएं हमें चाहिए और क्या क्या आवश्यक है कि हमें करना चाहिए जिसमें कांग्रेस उठे और चुनाव जो आने वाले हैं उनको जीते। आम आदमी पार्टी को वर्तमान में आप कहाँ देखती हैं, क्योंकि अभी की हालत में मैं आम आदमी पार्टी को कभी उसकी प्रशंसक नहीं रही हूँ, क्योंकि पता नहीं वो क्या बोलते हैं और क्या करते हैं और कितना वायदा करते हैं और कितना उसको पूरा करते हैं, ये सब क्वेश्चन मार्क्स हैं। क्या मोदी लहर अभी भी है दिल्ली में? तो नहीं है। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो ये थे हमारे सहयोगी, हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित, जो हमें बता रहे थे कि पार्टी में किस तरीके के सुधार की जरूरत होगी और संगठनात्मक जो भी परिवर्तन होंगे वो पार्टी को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। धनंजय कुमार, ईटी भारत, दिल्ली।